देश के अंदर सबसे प्रदूषित हवा कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर है। पूरी दुनिया में देश के अंदर अगर हम बातचीत करें तो तीसरे नंबर के ऊपर यह आंकड़ा सामने आता हुआ नजर आया है। हाल फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति दिल्ली की बनी हुई है, इन सभी की तमाम जानकारी देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। भारत 2023 में तीसरे सबसे खराब हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश रहा है। 134 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली सबसे खराब हवा वाली राजधानी रही। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर है, जबकि 2022 में इस लिस्ट में बेगूसराय का नाम भी नहीं था। 2022 में प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.33 अरब यानी 96% लोग ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना है। वहीं देश के 66% शहरों में एनुअल PM 2.5 का स्तर 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा दर्ज किया गया और इसके चलते हुए लगातार यहाँ पर हवा खराब बनी हुई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।